इल्तुतमिश 1211 टू 1236 एडी। इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द तुर्किश किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। इल्तुतमिश को उत्तरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ही हैड टू फेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिबेलियन आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। गद्दी पर बैठने के पश्चात उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ही सरप्राइज द रिवॉल्ट्स ऑफ स्टबर्न आमिर स्लाय कुबाजा अल्दौज एंड रूलर ऑफ बंगाल। आमिर सरदारों के विद्रोह का दमन किया और उसने जिसमें प्रमुख थे कुबैचा और अल्दौज और बंगाल के विद्रोही शासक। ही सरप्राइज द राइजिंग ऑफ पावर ऑफ द रूलर ऑफ जलोर एंड रणथंबोर हु हैड बिकम इंडिपेंडेंट रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन एबक। ही प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल्स। ही डेड इन 1236 AD। जलोर और रणथंबोर के शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गए थे उनकी बढ़ती हुई शक्तियों का दमन किया और मंगोल आक्रमणों से अपनी राज्य की रक्षा के लिए राज्य की रक्षा की और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द सिल्वर क्वाइंस कॉल्ड तनका। इल्तुतमिश ने अरबी प्रकार का टका या तनका सिक्का चलाया। इन 1229 एट इल्तुतमिश वॉन द सिंपैथिक्स ऑफ मुस्लिम बाय गेटिंग हिज क्लेम टू द थ्रोन अप्रूव्ड बाय द खलीफा ऑफ सन 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलाफत मीस अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसे हिंदुओं के सुल्तान की उपाधि दी गई। ही रिकॉग्नाइज द नोबिलिटी एंड सॉल्व इनटू ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 चालीसा विच बिकम द पिलर ऑफ पावर ऑफ द किंगडम। इल्तुतमिश ने 40 अमीर तुर्की अमीरों और गुलामों के दल को संगठित किया जो राज्य की शक्ति का प्रमुख आधार स्तंभ बने। रजिया सुल्तान 1236 टू 1240 AD। इल्तुतमिश हैड नॉमिनेट है हिज डॉटर रजिया एंड हिज सक्सेसर बिकम ही डिड नॉट कंसीडर एनी ऑफ हिज सन वर्थ ऑफ हिज थ्रोन। रजिया ड्रेस्ड अप लाइक मैन यूज्ड टू अटेंड द कोर्ट एंड लेड द आर्मी इन वॉर। इल्तुतमिश के पुत्र अयोग थे इस कारण उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी एवं युद्ध का नेतृत्व करती थी। ही वॉज नोबल ट्रेन सेटअप इल्तुतमिश टू नॉमिनेट ए डॉटर टू द थ्रोन इवन आफ्टर हैविंग मैनी सन्स। पुत्र के होते हुए पुत्री को सिंहासन पर बैठाना मध्यकाल इतिहास में एक नया कदम था। द तुर्किश नोबल डिड नॉट लाइक द आइडियाज ऑफ बींग रूल्ड बाय वुमन एंड दे स्टार्ट पोल्टिंग एंड रिवोल्टिंग अगेंस्ट हर। अमीर तुर्की सरदार इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह करने लगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवोल्ट अमंग दीज वॉज लेड बाय द गवर्नर ऑफ बटिंडा अल्तुनिया। इसमें सबसे सशक्त विद्रोह बटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के नेतृत्व में हुआ। टू सरप्राइज हिज रिवोल्ट रजिया अटैक्ड लाहौर। इसे दबाने के लिए रजिया ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। इन द इंशोइंग बैटल हर कमांडर इन चीफ याकूद वॉज किल्ड एंड रजिया वॉज टेकन प्रिजनर। युद्ध में उसका सेनापति याकूद मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। लेटर रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर अटैक दिल्ली इन विच रजिया
वॉज डिफीटेड एंड लेटर किल्ड, बाद में रजिया ने अल्तुतुनिया से विवाह कर लिया। दोनों ने मिलकर दिल्ली पर चढ़ाई की, जिसमें आफ्टर रजिया बरहम शाह नसरुद्दीन मोहम्मद बिकम सुल्तान, बट दे वॉज इनकॉम्पिटेंट, अंत उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के पश्चात बहराम शाह अलाउद्दीन और नसरुद्दीन महमूद तक सुल्तान बने, किंतु वे सभी कैसे थे, अयोग्य थे। बलबन, बाय दिस टाइम द ग्रुप ऑफ 40 आर्मीज बिकम वेरी पावरफुल। इन 1246 AD ग्रुप अपॉइंटेड द नसरुद्दीन महमूद द ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश एज द सुल्तान। मोहम्मद अपॉइंटेड बलबन एज हिज वजीर, महमूद डेड चाइल्डलेस एंड बलबन अपॉइंटेड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इस समय 40 तुर्की अमीरों का दल अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने बलबन नामक अमीरों को अपना वजीर नियुक्त किया। सत्ताहीन नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात वजीर बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। द खिलजी डायनेस्टी 1219 to 1320 AD। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी 1219 to 1296 AD। जलालुद्दीन वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। द नोबल्स ऑफ दिल्ली मेड हिम द सुल्तान आफ्टर किलिंग द साल किंग कैकुबाद इन 1219 AD। 1290 में गुलाम वंश के सुल्तान कैकुबाद की हत्या कर उसे सुल्तान बनाया गया। वेन ही एक्सेंडेड द थ्रोन ही वॉज 70 years of age। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसकी आयु 70 वर्ष की थी। His nephew Alauddin was the सूबेदार of Awadh। जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन अवध का सूबेदार था। He conquered देवगिरी and returned with a lot of wealth। Being very ambitious, he killed his uncle and captured the throne for himself। उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और उसे जीता तथा अपार धन दौलत लेकर लौटा। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन का वध किया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 AD। अलाउद्दीन बिलीव इन द थ्रोन ऑफ एक्सपेंशन। अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार की नीति में विश्वास रखता था। ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड एंड often referred to himself as the second Alexander of Sikandar Shani। वह विश्व विजेता बनना चाहता था और अपने को दूसरा सिकंदर ईशानी कहता था। He conquered गुजरात राजस्थान उज्जैन चंदेरी एंड मांडू। उसने गुजरात राजस्थान उज्जैन चंदेरी और मांडव जैसे पर विजय प्राप्त की। अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक गफूर देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र वॉज एनेक्सेड टू हिज एम्पायर। ही ऑल्सो मेड स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट टू चेक द मंगोल्स। उत्तर भारत में विजय प्राप्त करने के बाद मलिक गफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत के देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र के राजाओं को पराजित किया और मंगोल ने कई बार आक्रमण किए, वह अकेला रोकता रहा। मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैनिक सुधार। द ग्रेट ऑफ अलाउद्दीन विक्ट्री गोज टू हिज वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी।
अलाउद्दीन की विजय का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को दिया जाता है। द सोल्जर वॉर अपॉइंटेड एज पर देयर एबिलिटी, सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। ऑल द डिटेल्स ऑफ द सोल्जर एंड हाइट वेट एक्सेट्रा वर मेंटेन, सैनिकों के रंग रूप कद काठी का पूर्ण विवरण रखा जाता था। ही स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग द सोल्जर इन कैश एंड ऑल्सो नंबर ऑफ काउंटिंग द हॉर्सेस, उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अपनाया तथा घोड़ों को दागने की व्यवस्था की। ही रिपेयर्ड द ओल्ड फोर्ट्स एंड गॉट न्यू वंस बिल्ड, पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा नए किलों का निर्माण कराया। मार्केट रिफॉर्म्स, बाजार नियंत्रण। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड हिज किंगडम फ्रॉम द रिस्पेक्टेड अटैक ऑफ द मंगोल्स, उद्दीन लेफ्ट फेल्ट द नीड टू मेंटेन ए स्ट्रांग एंड पावरफुल आर्मी। फॉर दिस ही नीडेड मनी, देयरफॉर ही स्टार्ट मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ही अपॉइंटेड एबल एंड ही ऑफिसर हु यूज्ड टू कीप ए वॉच ऑन द ट्रेड्स एंड मर्चेंट। ही फिक्स्ड द प्राइस वेरियस कमोडिटीज। ही प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु वॉयलेटेड द, ही रिकॉग्नाइज्ड ए वॉयलेंस ग्रुप ए कीप ए चेक ऑन द मार्केट ट्रेड्स। ही एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट गोडाउन्स ड्यूरिंग फेमिनाइंस, द फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम गोडाउन्स। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा तथा विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना आवश्यक समझा। इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। उसने बाजार नियंत्रण किया और कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी गई। दुकानदारों द्वारा बाजार के नियमों का पालन न करने पर कठोर दंड दिया जाता था। बाजार भाव में निगरानी रखने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। सरकारी गोदाम स्थापित किए गए। अकाल पड़ने पर गोदामों से खाद्यान्न की पूर्ति की जाती थी। रेवेन्यू पॉलिसी, राजस्व नीति। लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड आर रिफिक्स्ड ऑन द मेजरमेंट लैंड। हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वॉज फिक्स एज रेवेन्यू। बिसाइड दीज टैक्स वेयर इंक्रीज पेस्टर्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जजिया खाम्स एंड जकाता। अलाउद्दीन डेड इन एडी 1362। राजस्व नीति, उसने भूमि के माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया। उपज का आधा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में तय किया। इसके अतिरिक्त चारागाह कर, यातायात निर्यात जजिया खम्स जकात आदि करों में वृद्धि की गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। 1320 में गैसुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया।